हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कहते हैं दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है, भले ही कुछ बुरे लोगों ने समाज को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हो, लेकिन समाज का दूसरा चेहरा है जहां इंसान बसते हैं। पंचकुला में एक युवक ने इंसानियत की एक ऐसी ही मिसाल पेश की है। पंचकुला स्थित सेक्टर 9 में लावारिस और बदहाली की हालत में रह रहे युवक रविकांत को अमन सिंह ने सहारा दिया, और न सिर्फ सहारा दिया बल्कि उसका इलाज भी कराया। दरअसल रविकांत सदमे की हालत में पिछले 6 महीने से पंचकुला के सेक्टर 9 के मार्केट में रह रहा था। बदहाली में रह रहे इस युवक को अमन अपने घर लिया गया और 2 महीने तक उसका इलाज करवाया, उसकी अच्छी तरह से देखभाल भी की। अब युवक की हालत ठीक है, जिसके बाद इसकी सूचना क्राइम ब्रांच को दी गई। पुलिस ने उस युवक को, उसके परिवार को ढूंढ निकाला। युवक मुंबई का रहने वाला था, जहां उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई, जिसके बाद उसके परिजन उसे लेने आ गए। पुलिस ने युवक को उसके परिजनों को सौंप दिया। हरियाणा पुलिस और अमन जी का कितना धन्यवाद करना चाहेंगे, आपका भाई मिला है 6 महीने बाद। हमारे लिए तो अभी भगवान से बढ़कर है, आज जो भी मतलब भाई मिला है वो अमन जी की वजह से और सर जी की वजह से मिला है। तो आज आप बॉम्बे से आए हैं इनको लेने? हाँ जी, बॉम्बे से आया हूँ। किसी लापता था मुंबई से जी, जो कुंजापुर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज थी, और जो उसमें अमन जी ने बताया हमारे को 1 तारीख को कि भाई एक व्यक्ति है जो सेक्टर 9 की मार्केट में रात दिन यहीं पे रहता है, और ये 2 महीने से इसके जो अमन जी हैं इसकी देखभाल कर रहे हैं। ये जब उस टाइम इसको मिला था ये बिल्कुल बीमार था, बीमार की अवस्था में था। इसकी दवाई है, इसका जो देखभाल है, इसको इसका नहाना है, खिलाना है, इसका ध्यान रखना है, कंबल वगैरह है। इन्होंने इसको बिल्कुल प्यार से इसको एक ट्रीट किया है। ट्रीट करने के बाद इन्होंने मार्गो 1 तारीख को संपर्क किया कि भाई साहब एक लड़की ये मिला हुआ है और ये अपने घर जाना चाहता है और मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, आप इसका परिवार तलाश कर दीजिए। तो इन्होंने मार्गो 1 तारीख को सूचना दी, तो हमने जो वांडर पुलिस स्टेशन है मुंबई है, इस बंदे की फोटो भेजकर वहां पर सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार जी हैं उनसे संपर्क किया। वो इनकी जो बहन है उससे